करनाल नमस्ते चौक के पास रोडवेज के चेकिंग स्टाफ पर चाकुओं से किया हमला। बस चेकिंग के दौरान बिना टिकट पकड़े गए युवकों ने किया चाकू से हमला। इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह को घायल अवस्था में ट्रामा सेंटर किया भर्ती। आज सुबह हरियाणा रोडवेज पानीपत डिपो की बस को चेक करते समय रोडवेज चेकिंग स्टाफ पर कुछ बदमाश युवकों ने चाकू से हमला कर दिया। चेकिंग स्टाफ ने कुछ युवकों के बिना टिकट के पकड़ा था। जब उनसे 10 गुना किराया वसूलने की बात की गई तो एक युवक ने अचानक चाकू निकालकर हमला बोल दिया और एक इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह के कंधे और बाजू पर चाकू मारकर घायल कर दिया, जिसमें घायल इंस्पेक्टर को ट्रामा सेंटर में भर्ती किया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस को इसकी सूचना दी गई परंतु अभी तक पुलिस नहीं पहुंची थी। कैसे हुआ था? जी, हम नंबर से चौक पे गाड़ी चेक कर रहे थे और पानीपत साइड से गाड़ी आई पानीपत डिपो की और वो गाड़ी हमने जब रखवाई तो उसमें से 5-7 लड़के थे, 2 भागने की कोशिश कर रहे थे तो हमने उनमें से 1-2 लड़के को पकड़ा और जो पीछे से जो भाग गए थे लड़के उन्होंने पीछे से आकर के हमारे साथ हाथापाई करी और ज़बरदस्ती मतलब वो चक्कू ले रहे थे और चक्कू हमारे एक ईश्वर सिंह इंस्पेक्टर है उसको यहाँ पर चुमे और यहाँ तक घायल कर दिया। हाँ, और जब मेरा मतलब पेट में मारने लगे तो हमारा पीछे एक इंस्पेक्टर था उसने धक्का दे दिया और वो चक्कू मार के भाग गए फरार हो गए। तो अब क्या किया जा रहा है? हाँ जी, अब क्या किया जा रहा है? घायल अब ये हाँ जी इलाज करवा रहे हैं उसका। कितना टांके वगैरह लग रहे? हाँ जी, टांके अभी डॉक्टर ने बताया नहीं कितने, बाकी यहाँ से और यहाँ तक चाकू है। कितने लड़के थे वो? जी 4-5 लड़के थे। आप क्या चाहते हैं? हम जी कार्रवाई करवाएंगे, जिस सख्त कार्रवाई होगी। इसकी सूचना दे दी पुलिस को? हाँ जी। नमस्ते चौक पर? हाँ जी नमस्ते चौक पर। कौन से डिपो की बस थी? वो पानीपत डिपो की बस थी जी। अच्छा, करनाल में आपने चेकिंग करने के लिए रुकी? हाँ जी, नमस्ते चौक पे चेकिंग करने के लिए रुकवाई। तो उनके पास टिकट नहीं था? उनके पास टिकट नहीं था जी। अच्छा जी, विदाउट थे तो 10 गुना लगने के चक्कर में आज उन्होंने हमला किया। हाँ जी। तो उनका मोबाइल वगैरह रह गया? मोबाइल तो आज वो मतलब हाथापाई करी थी जी तो एक का भागते भागते उसका मोबाइल गिर गया, वो मोबाइल हमने अपना दे दिया। क्या नाम आपका? राजवीर सिंह। आप कितने थे? आप तो 4-5 जन थे। तो कमी है कोई ऐसी? स्टाफ की कमी? हाँ जी, स्टाफ की कमी है। स्टाफ है ही नहीं, 4-5 जन से तो चेकिंग होती नहीं।